नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं आईपी इंडिया न्यूज और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। रुपहेड़िया बॉर्डर पर तैनात इमिग्रेशन विभाग के कर्मचारियों ने मानवता की सारी हदें पार कर दी है। खुलेआम नेपाल भारत में आने वाली टूरिस्ट बसों से बड़े पैमाने पर जांच के नाम पर इमिग्रेशन कर्मचारी पैसों की वसूली करते हैं, इससे लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। जबकि इमिग्रेशन विभाग का मुख्य कार्य विदेश से आने जाने वाले लोगों के पासपोर्ट और वीजा का जांच करना होता है, मगर यहां बॉर्डर पर तैनात कर्मचारी सड़कों पर बेखौफ होकर धनवाही करते हैं। इससे भारत व नेपाल की रोटी बेटी का संबंध काफी खराब हो रहा है। रुपहेड़िया बॉर्डर पर कई अन्य विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले हुए, परंतु 15 वर्षों से तैनात इन कर्मचारियों का तबादला क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं किया गया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मतलब ये बगल वाले ऑफिस में होके आया। हाँ। कितना पैसा दिया? 500 रुपए। आज जब आईबी इंडिया न्यूज की टीम ने बॉर्डर पर तैनात इन इमिग्रेशन कर्मचारियों की काली करतूत देखा तो कई लोगों ने कैमरे के सामने अपनी पीड़ा बताई। नेपाली बस चालक रामचंद्र ने बताया कि हमारी बसों में जांच के नाम पर 500 रुपए रोजाना इमिग्रेशन कर्मचारी लेते हैं, और जब हम लोग पैसे देने से इनकार करते हैं तो वे कहते हैं कि ना तो तुम्हारा बस हमारे देंगे और ना ही जाने देंगे। इमिग्रेशन कार्यालय में आपने कितना पैसा दिया? 500 रुपया ले दिया। किस बात के लिए दिया? ये और गाड़ी भी देते हैं तो हमें हमारे से भी वो मांगते हैं पैसे, तो उसे दे दिया फिर 500 रुपया ऐसी। जी। कितने दिनों से आप लोग देते हैं वहाँ पैसा? मतलब कितने दिनों से देते हैं पैसा? ये मैं तो अभी नया नया हूँ, लेकिन और गाड़ी और वो बता रहे थे थोड़ा ज़्यादा, मतलब 3-4 महीने से दे रहे हैं। शुक्ला जी, इमिग्रेशन कर्मचारी अवैध अनुगाही कर रहे हैं, इसकी शिकायतें आ रही हैं, क्या कहना? ये अनुगाही अगर हो रही है तो बहुत ख़राब बात है, और इस तरह की शिकायतें जो है नेपाल के कई नागरिकों ने भी की हैं, और हमारे कई पत्रकार मित्र हैं नेपाल के, उन्होंने भी इस तरह की शिकायतें की हैं, जिससे एक तरफ जहाँ चाइना नेपाल को तमाम तरह के संसाधनों को उपलब्ध कराते हुए अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहा है, वहीं अगर इस तरह की शिकायतें हमारे भारतीय अधिकारियों के द्वारा देखी जाएंगी तो इससे विशेष करके इमिग्रेशन विभाग की, तो ये कहीं ना कहीं राजदूतावास तक ये शिकायत पहुंचेगी, और आप सब पत्रकार इसको आगे भी पहुंचाइए, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं तो इसको तत्काल ही और तुरंत बंद होना चाहिए। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ के लोग लगभग 15 वर्षों से तैनात हैं और जमकर धनुबाई करते हैं। हम लोगों ने कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायतें की, मगर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। सरकार को चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों की जांच कराकर कार्यवाही करे। इमिग्रेशन कर्मचारी अवैध धनुबाई करते, इस पर क्या कहना आप? इमिग्रेशन के कर्मचारी यहाँ पर एक लंबे समय से धनुबाई कर रहे हैं। नेपाल से भारत आने वाले जो लेबर होते हैं उनसे भी लेते हैं, और जो वापस में लेबर होते हैं उनसे भी सर्किल करके राहदानी टैक्स का करके लेते हैं। ये कितने दिनों से तैनात है यहाँ? 15 वर्ष से। पता ही चला कि टूरिस्ट बसों से भी ये पैसा लेते हैं? टूरिस्ट बसों से पैसा लेते हैं, जो ट्रकें माल लेके जाती हैं इनसे पैसा लेते हैं, साइकिल पर जो लोग माल डेली आवागमन करते हैं उपयोगिता की चीजें उस पर पैसा लेते हैं, पैसा नहीं मिलता तो कुछ सामान्य। इस खबर के बारे में विशेष और सही जानकारी आइए जानते हैं अपने संवाददाता रामजी सोनी से, जो इस वक्त हमारे साथ रुपहेड़िया से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोनी जी, ये बताइए कि जिस तरह की तस्वीरें आज आपने अपने कैमरे में कैद किया है, क्या पहली बार का यह मामला है या आए दिन इस तरह की हरकतें होती रहती है? मैं आपको बता दूं, देखिए इंडो नेपाल बॉर्डर पे पहली बार का मामला नहीं, ये रुपहेड़िया बॉर्डर पर इमिग्रेशन कार्यालय बना हुआ है। यहाँ तीन कर्मचारी तैनात है जो बड़े पैमाने पर नेपाल से आने व जाने वाले टूरिस्ट बसों से 1,000 रुपए 500 रुपए अवैध अनुगाही करते हैं, जिससे नेपाल और भारत की जो छवि धूमिल हो ही रही है और यहाँ की फोर्सों की छवि भी नेपाल में धूमिल हो रही है। जी सुनील जी, क्या क्षेत्रीय अधिकारियों की नजर से दूर इस तरह का मामला? मैंने देखिए क्षेत्रीय अधिकारियों से यहाँ के ग्रामीणों ने शिकायत की, स्थानीय लोगों ने, साथ साथ जो सामाजिक संगठन है उन लोगों ने भी शिकायत की, शिकायतों के बावजूद भी आज तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनकी तैनाती लगभग विगत 10 वर्षों से यहाँ है। जी, आपकी बात जिले के किसी आला अधिकारी से हुई है? अगर हुई है तो क्या कहना है उनका? नहीं, मेरी बात एसपी बाराई से हुई। एसपी बाराई ने कहा कि
इमिग्रेशन डिपार्टमेंट मेरे अंडर नहीं है, डीएम के अंदर। फिर हमारी डीएम साहब से बात हुई, डीएम ने यही कहा कि इसकी हम जांच कराते कराएंगे। जांच में फिर यहाँ के स्थानीय लोगों ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार व विदेश मंत्रालय को एक लेटर जारी कर शिकायत की। शिकायत में वहां से फिर आईबी के पास शिकायत आई, आईबी ने इसकी जांच की। आईबी फिर यहाँ के स्थानीय लोगों से मिले की इनका हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की गई। बस चालक क्या कह रहे हैं इस मामले में? लेकिन नेपाली बस चालकों का जहाँ तक कहना है, नेपाली बस चालक पूरी तरह से प्रताड़ित है, पीड़ित है इस मामले को लेकर कि इमिग्रेशन कर्मी बड़े पैमाने पर नेपालियों से अवैध कार्रवाई करते हैं, जिससे नेपाल में आए दिन ये भारतीय दूतावास में शिकायत करते हैं। साथ ही साथ ये लोग नेपाल के एसपी डीएम वहां भी अपनी शिकायतें नेपाली बस चालक दर्ज कराते हैं, मगर आज तक इतनी शिकायतों के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सोनी जी। जैसा कि अभी आपने देखा कि यूपी के कानून के रखवाले इस कदर अवैध अनुगाही में मशगूल हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि हम क्यों और किस लिए तैनात किए गए हैं। अगर यही हालात रहे तो कैसे होगा स्वच्छ और सुंदर भारत का निर्माण? ये एक बड़ा प्रश्न है।